हमारे उत्तराखंड की संस्कृति ढोल के बिना अधूरी है। जन्म संस्कार हो, चूड़ा क्रम हो या शादी विवाह या हमारे यहाँ के मेले त्योहार, ढोल हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। आइए मैं ले चलती हूँ आपको उत्तराखंडी ढोल के इस अनूठे संसार में। उत्तराखंडी ढोल के बारे में सामवेद के केदार खंड में विस्तार से जानकारी है। इसके 10 स्वरों और 23 व्यंजनों से 300 से अधिक तालों का वर्णन है। ढोल वाजन पर ढोल सागर नाम का ग्रंथ 9वीं सदी में पुस्तक रूप में सामने आया। ढोल के साथ दमाऊं प्रमुख वाद्य यंत्र है। हमारी साफ परंपराएं है, हम बचपन से पीढ़ियों धरे ये चीज का काम करते हैं। हम जो है प्रथम मारे वास्ते जन किसी की लड़की की लड़का की शादी हुई या लड़की की शादी हुई तो हमारे लिए स्पेशल प्रथम न्योता आ जाता था। आज ये विद्या अब धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। एक तो इसका मुख्य कारण ये रहा कि एक हमने ये ढोल को एक जाति विशेष से बांध के रख दिया और वो जो ढोल किया है, जो ढोल बजाने वाला इतना बड़ा कलाकार था, उसको हम दास कहते हैं। दास का मतलब गुलाम एक तरह का हो गया वो। तो वो लोग अब इस परंपरा को, खासकर वो लोग जो बजाते थे, इसको अब अच्छा नहीं मानते। जो ब्रास बैंड बजाता है उसे हम लोग आज की तारीख में 8-10 हज़ार खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन जो हमारा ढोल किया है, जो ढोल बजाने काम करता है, उसको 500 रुपये देने में भी कतराते हैं। कुछ लोग पैसे देते हैं, साथ ही साथ अनाज भी देते हैं, लेकिन वो ये है कि इनका जो 6-6 महीने में या साल भर में जो मेले होते हैं, उस मेले में इन लोगों को इनका गुजारा नहीं होता है। और यही कारण है कि इनकी भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बाहर को जा रही है, यहाँ पर रोजी रोटी का ऐसा कोई साधन है नहीं। मैं सोचती हूँ कि ढोल सागर के अथाह ज्ञान और ढोल विद्या को बचाने के लिए जो हम ढोल विद्या के विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे ज्ञान को संकलित किया जाना चाहिए और ढोल विद्या की मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, हमारे यहाँ के मेले खेलों में ढोल को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।